In a tragic incident at Umanath Ghat near Patna during Ganga Dushera celebrations, a boat carrying 17 people capsized, leaving 6 individuals missing. The incident occurred amidst devotees bathing and meditating along the flooded Ganga. 11 people managed to swim to safety, but the search continues for those still unaccounted for. Upon receiving the news, authorities swiftly responded, deploying a team of divers and coordinating rescue efforts with local volunteers. Ritesh Mishra is joining us for more details on this story. Ritesh, a tragedy happening in Bihar on the day of Ganga Dushera. बिल्कुल, देखिए बहुत ही दुखद घटना है। गंगा दशहरा पर पटना, राजधानी पटना से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर बाढ़ है, वहां पर उमानाथ मंदिर है और उमानाथ मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, गंगा नदी है और वहां पर कई हादसे ऐसे पहले हो चुके हैं। एक ही परिवार के लोग जो है 17 लोग एक ही नाव पर सवार थे और वो पूजा पाठ करने जा रहे थे, अचानक जो नाव है वो पलट जाती है। राहत की बात यह है कि 12 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है लेकिन 5 लोग अभी भी लापता हैं और उनके रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन प्रशासन पर भी सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि गंगा नदी में, चाहे राजधानी पटना हो या आसपास के इलाके, लगातार नावों का परिचालन किया जाता है, डीजल नावें जिन पर बैन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये धड़ल्ले से चलती हैं और ना सिर्फ लोगों को बिठाया जाता है बल्कि ओवरलोडिंग तक की जाती है, वाहनों को लादा जाता है, मवेशियों को लादा जाता है और इस तरह के हादसे लगातार बिहार में होते रहते हैं और इसको लेकर प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है, कोई एसओपी नहीं है। हालांकि इस मामले में अगर बात करें तो वहां पर जो अधिकारी हैं वो कैंप कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जो लापता लोग हैं, जो 5 लोग एक फैमिली से लापता हैं, उन सभी का रेस्क्यू जल्द से जल्द किया जा सके। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।